हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर पिजबाउस्कर। वेलकम यू इन द प्रेजेंटेशन ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब फ्रेंड्स, इन अ प्रीवियस सेशन वी हैव सीन द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो क्या है रिलेशन? सम ऑफ द जीरो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म होती है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी कॉन्स्टेंट होती है। तब सम ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए। सो वी गेट अ फॉर्मूला, सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कॉन्स्टेंट टर्म सी होते हैं अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, यानी कि सी अपॉन ए। तो वी गेट अ फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सी अपॉन ए। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वे वी हैव सीन अ रिलेशन बिटवीन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी हमने देखा है कि यदि सपोज एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। इसके जीरो जनरली हम लोग अल्फा बीटा और गामा ये लेटर से डिनोट करता है। तो अब सम ऑफ जीरो यानी कि ये तीनों जीरो का जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी बी क्या है, माइनस साइन है, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। यानी कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि ये जो तीनों जीरो हमने माने अल्फा बीटा गामा, इसका प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन ए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एंड थर्ड फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि दो दो जीरो का प्रोडक्ट करके उनका जोड़। यानी कि जैसे कि पहले ये दो जीरो, इनका प्रोडक्ट लेना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बाद में बीटा इंटू गामा का प्लस अल्फा और गामा इनका प्रोडक्ट। तो ये जो होता है उसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। सी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसी तरह हमें द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, इसका फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी अपॉन ए। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन कोई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन है जीरोज और कोएफिशिएंट में। तो इसका यूज हम लोग आगे एग्जांपल सॉल्व करते समय करने वाले। तो लेट अस सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो योर एक्सरसाइज इज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में आपका फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हमें ये जो नीचे दी गई पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनके पहले जीरो फाइंड करना है और बाद में जो रिलेशन है जीरो का और कोएफिशिएंट का वो वेरीफाई करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन है। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जनरली हम लोग ये जीरो अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। ये है कि नहीं ये चेक करना है। दूसरा हमें शो करना है, यानी कि प्रूव करना है या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो
सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए है क्या नहीं, ये वेरीफाई करना है। तो लेट अस सी, वी विल वेरीफाई इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ दिस फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ कंपेयर करके पहले हम लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कंपेयर विथ, नाउ टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या होगी? ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? वन है। तो वैल्यू ऑफ इज वन। बी बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस टू। सो वी गेट वैल्यू ऑफ बी इज माइनस टू। एंड व्हाट इज सी? सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज हेयर एट अ कॉन्स्टेंट टर्म इज हेयर माइनस एट। नाउ सियर वैल्यू ऑफ इज वन, देन वी कैन फाइंड द टू फैक्टर ऑफ सी डायरेक्टली। क्या करना है? ए का वैल्यू यदि वन है तो सी के दो फैक्टर ऐसे फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट सी यानी कि माइनस एट आना चाहिए और उनका जोड़ बी यानी कि माइनस टू आना चाहिए। ऐसे माइनस एट के दो फैक्टर फाइंड करना है। तो विच आर द टू फैक्टर्स? द फैक्टर्स आर माइनस फोर और प्लस टू। एम आई राइट और नॉट? माइनस फोर और प्लस टू, इनका दोनों का जोड़ माइनस एट आता है। यस, उनका सॉरी दोनों का प्रोडक्ट माइनस एट आता है। यस, जोड़ माइनस टू आता है। माइनस फोर प्लस टू, यस माइनस टू आता है। सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स। तो ये करेक्ट फैक्टर है। नाउ वी कैन फैक्टराइज दिस गिवन पॉलिनोमियल। ये फैक्टराइजेशन हो गया। अभी ये पहले शुरू में ये पॉलिनोमियल इक्वेट करना है जीरो के साथ, जीरो फाइंड करना है। तो इक्वेट दिस पॉलिनोमियल विद जीरो। तो इक्वेट इट, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अभी लेफ्ट साइड में इसका फैक्टराइजेशन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ऑलरेडी हमने फैक्टर फाइंड आउट किए, उसके माइनस फोर और टू है। तो इसके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन होने के कारण वी कैन फैक्टराइज डायरेक्टली एज एक्स माइनस, पहला फैक्टर आपका माइनस फोर इंटू एक्स, दूसरा फैक्टर आपका प्लस टू। तो दिस इज फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू जीरो। नाउ हियर द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट इज जीरो। दैट मीन्स आइदर फर्स्ट ब्रैकेट जीरो और सेकंड जीरो। इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट यानी कि एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, या और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स माइनस फोर इज जीरो है, फोर ट्रांसफर किया तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू फोर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? फोर होगा। और एक्स प्लस टू जीरो, टू ट्रांसफर किया तो दिस प्लस टू बिकम माइनस टू। सो वी गेट और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। सो वी गेट फोर और माइनस टू, ये एक्स इज इक्वल टू फोर और ये एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें उसके दो जीरो मिल गए, एक प्लस फोर दूसरा माइनस टू। ओके, तो इन दिस वे वी विल फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह हम लोग पहले जीरो फाइंड करना है, बाद में अभी हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जीरो याद रखना है, जीरोज आर फोर माइनस टू, करेक्ट? नाउ वी विल वेरीफाई इट। तो फर्स्ट वेरीफाई सम ऑफ द जीरो। नाउ सम ऑफ द जीरो इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर यस। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू एस। अभी दोनों जो जीरो फाइंड आउट किए उनका जोड़, पहला जीरो आपका था फोर प्लस सेकंड जीरो आपका माइनस टू, और ये जोड़ आता है आपका प्लस फोर माइनस टू, कितना होता है? इट इज अ टू, प्लस टू। नाउ वी कैन राइट दिस प्लस टू एज माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन वन। बट हियर दिस माइनस साइन एज इट माइनस ऑफ माइनस टू, बट माइनस टू ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसमें माइनस टू यानी कि क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए अपॉन वन। वन मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन ए। तो वी गेट, वी वेरीफाइड हियर सम ऑफ द जीरो एस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए वेरीफाई हो गया। नाउ सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई लेटर पी, पी से जनरली डिनोट करता है। तो ये दो जीरो का प्रोडक्ट काम करता है। पहला जीरो है आपका फोर इंटू सेकंड जीरो आपका माइनस टू,
this product is minus 8. Now we can write this minus 8 in the form of coefficient of this polynomial. इस पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट है उसके फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे इजी है, दिस माइनस एट कैन बी रिटन एज माइनस एट अपॉन वन, बट दिस माइनस एट इज नथिंग बट व्हाट इन अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट टर्म दैट इज सी, दैट इज व्हाट सी अपॉन वन मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए, सो वी वेरीफाइड हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए. तो इन दिस वे we are verified here sum of 0 is minus v by a and product of 0 is c upon a. तो इसी तरह हम लोग पहले 0 find करना है, बाद में ये 0 verify करना है. Okay, now let us see another example. Your second polynomial is 4s square minus 4s plus 1. ये quadratic polynomial है. इसमें पहले हम लोग कंपेयर करके ये जो पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एस. यहाँ पे वेरिएबल एस है, पॉलिनोमियल अलग अलग वेरिएबल में हो सकते हैं. ये सेकंड जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल एस है, तो इसका हमें पहले जीरो फाइंड आउट करना है. तो वी कैन टेक फर्स्ट द गिवन पॉलिनोमियल, इक्वेट दिस गिवन पॉलिनोमियल विद जीरो. तो हम लोग पहले ये पॉलिनोमियल जो है जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, ये है, इसको इज इक्वल टू इक्वेट करना है जीरो के साथ, इक्वेट कर लिया. ओके, अब इसका लेफ्ट साइड में फैक्टराइजेशन करना है. नाउ टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए. वैल्यू ऑफ ए इज हियर फोर, करेक्ट. ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट फोर है. बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एस, और व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एस हियर, माइनस फोर. And c is a constant term and c is here 1. Okay. Now here value of a is other than 4. यहाँ पे a की जो value other than 4 है, तब हम लोग a into c का product करते हैं. a means 4 into c means 1 and this product is 4. Now अभी a का value other than 4 है, तब ये a into c करना है, और ये a into c के जो यानी कि 4 उसके दो factor find out करना है. Such that their product is plus 4. उनका जोड़ आना चाहिए plus 4. But sum is b. b means minus 4 आनी चाहिए. उनका जोड़ कितना आना चाहिए? Minus 4. Product आना चाहिए plus 4. तो विचार दो factor. The factors are minus 2, minus 2. चेक कीजिए. दोनों का product plus 4 आता है? Yes. Minus 2 into minus 2, 4 है. दोनों का जोड़ minus 4 आने की b है? Yes. Minus 2 और minus 2 का जोड़ minus 4 आने की b है. तो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स, ये दोनों करेक्ट फैक्टर मिल गए. अभी ये फैक्टर जो है, वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म. अभी यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडल टर्म है माइनस फोर एस, इसको ये दो फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करके लिखना है. तो माइनस फोर एस कैन बी रिटन एस माइनस टू एस इन माइनस टू एस. तो योर फर्स्ट टर्म फोर एस स्क्वायर एज इट, मैं ऊपर इसी तरह हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एस. तो फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं, only this minus 4s can be written as minus 2s minus 2s. So this first term as it, 4s square as it, minus 4s can be split as minus 2s minus 2s, correct. And this last term plus 41 as it, plus 1 as it is equal to 0. Okay, now make the group of first two. पहले ये पहले दो का group बनाना है और last two का group बनाना है. Now in a first group what is common. अभी फर्स्ट ग्रुप में हमें 2s कॉमन दिखाई दे रहा है, सो वी कैन टेक 2s कॉमन. हम यहाँ पे 2s कॉमन निकालेंगे. 2s कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आपका बच जाता है 2s माइनस 2s, वैसे 2s कॉमन निकाला तो 1 बच जाता है. ओके, नाउ लास्ट टू ग्रुप, लास्ट वाला जो ग्रुप है उसमें हमें 2s यहाँ पे प्लस 1 है, माइनस 1 चाहिए, तो साइन भी चेंज चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकालेंगे. माइनस 1 कॉमन निकालने के बाद ये इनका साइन चेंज होगा, ये 2s प्लस हो गए. ओके, और ये प्लस 1 बिकम, सॉरी प्लस 1 बिकम माइनस 1. प्लस 1 जो है आपका माइनस 1 बन गया, प्लस 1 बिकम दिस प्लस प्लस हियर, या फिर साइन होगा आपका माइनस. ओके, तो दिस बिकम
माइनस, ओके फिर वी विल राइट अगेन हियर योर 4s² एज इट माइनस 4s कैन बी स्प्लिट एज माइनस 2s प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0. Now make the group of first two and group of last two. In the first group, what is common? 2s is common. First group में हम लोग 2s common निकालेंगे. 2s common निकालने के बाद यहाँ पे बच जाता है 2s minus 1. Second group में minus common निकाला तो minus 2s become plus 2s in bracket and plus become minus in bracket and is equal to 0. Okay? Now again see here, this bracket 2s minus 1 यहाँ पे common है. We can take again this bracket common, this 2s minus 1 common. In second bracket यहाँ पे आपका बच गया 2s minus 1 is equal to 0. Now product of these two bracket 0, that means either first bracket 0 or second 0, that means this 2s minus 1 is 0, or again this 2s minus 1 is equal to 0. अभी इसमें ये 1 transfer करना है, this minus become plus. इधर भी माइनस बिकम प्लस 1, सो 1 ट्रांसफर किया तो वी गेट नेक्स्ट स्टेप विल बी 2s इज इक्वल टू 1 और 2s इज इक्वल टू 1, सो नाउ ट्रांसफर टू, सो वी गेट s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो वी गेट बोथ आर सेम जीरोस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, सो वी गेट 1 upon 2, 1 upon 2, both are equal, zeros are equal zeros of given polynomial, of polynomial, given polynomial. So we get 2 zeros which are 1 upon 2, 1 upon 2. तो इसी तरह हम लोग 0 find out करना है. Now we are going to verify the relation. तो 2 0 है 1 upon 2, 1 upon 2. अभी हम लोग relation verify करेंगे. तो पहले sum of 0 यानी कि s, दोनों जीरो का जोड़ करना है. पहला जीरो आपका 1 अपॉन 2 था प्लस सेकंड इज आल्सो 1 अपॉन 2 और इनका जोड़ आता है 1. अभी इसको हमें कोएफिशिएंट के फॉर्म में अरेंज करना है. ये जो 1 है उसको हम लोग कोएफिशिएंट के पावर में अरेंज करेंगे. तो हाउ टू अरेंज इट, दिस कैन बी अरेंज्ड बाय माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 4. यदि इसको सिंप्लीफाई कर दे तो आपका 1 ही आएगा. माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, प्लस प्लस 4 अपॉन 4 यानी कि 1. तो वी कैन अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट. इस पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट है उसके फॉर्म में अरेंज करना है ये 1 को. तो हमने इसी तरह अरेंज किया एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, माइनस 4 इज नथिंग बट इन द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस 4 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ s यानी कि b. सो वी गेट b अपॉन 4, 4 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a. सो वी गेट सम ऑफ 0 इज माइनस बी अपॉन ए. एक वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो का. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट अभी ये दोनों का प्रोडक्ट करना है. पहला जीरो आपका 1/2, सेकंड 1/2, इनका दोनों का प्रोडक्ट किया तो आपका आता है 1/4 हमारे, और दिस 1/4 यहाँ पे कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कोएफिशिएंट यहाँ पे आ गए. तो 1 मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज सी अपॉन 4 means coefficient of s square यानी कि a. So we verified here product of 0 is c upon a and sum of 0 is minus b upon a. तो इसी तरह हम लोग ये relation between zeros and coefficient हम लोग verify कर सकते हैं. Again we can take one more example. Now try to solve third example yourself. Four also try yourself. I will take fifth. Now your fifth example is t square minus 15. ये polynomial हमें पहले उसके zero find करना है. तो zero find out करने के लिए पहले हमें ये जो polynomial है equate करना होता है zero के साथ. तो we can equate here t square minus 15 is equal to zero. या take t square minus 15. t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेट किया. ओके अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू मिलता है. a मींस कोएफिशिएंट, दिस इज अ पॉलीनोमियल इन t, सो कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज 1, सो a इज 1.
नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी हियर? बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ टी, और यहाँ पे बी का टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टी इज जीरो, इसका मतलब वैल्यू ऑफ बी इज जीरो, एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, और कॉन्स्टेंट टर्म आपकी है -15, करेक्ट? तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। चलो